हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हे सॉल्यूशन वीडियोस। जो लोग आप मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज मैं आपको लेके चलने वाला हूं एक और नई वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले ये जो हेयर हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा पतले हैं, इनके बाल रूट से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं और दो दो इंच के बाल हैं इनके रूट्स के पास। तो मैं ये पतले बालों पे आज हेयर कट करके दिखाने वाला हूँ। काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट थी, सर आप पतले बालों में हेयर कट करके दिखाइए। तो मैं सेक्शनिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले एकदम ईजी है, बहुत ईजी है, हम लेंथ को शॉर्ट करेंगे। अब देखिए कितने पतले हैं यहाँ पे बाल। तो मैंने बॉक्स कैरियर ले लिया, इसको हम काट लेंगे, स्ट्रेट एक लाइन बना देंगे, क्लाइंट से पूछ लेंगे, अगर उनको पसंद आता है तो इतना शॉर्ट काट देंगे। हेड नीचे रहेगा, हमेशा टिल्टेड रहेगा हेड, स्ट्रेट लाइन काट लेंगे। ये गाइडलाइन बना लिया हमने पूरे हेयर कट का, सब तरफ से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। तीनों साइड मुझे इक्वल करके एक बेस लाइन गाइड लाइन बना लेना है ताकि जो नेक्स्ट हेयर कट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इजीली कर पाएं। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स का एरिया ले लिया है, बहुत ज़्यादा इजी हेयर कट है ये। मैं सारे बालों को पकड़ूंगा, यहाँ पे मैं ट्विस्ट करूँगा, देखूंगा जहाँ पे सेंटर आता है वहाँ पे मुझे काटने हैं। तो ये बालों को मैंने पकड़ा और छोटे बाल देखे एंड काट दिया। जस्ट ये दोबारा से इस साइड के बाल भी पकड़ूंगा एंड 90 डिग्री पे मैंने काट दिया। अगेन सेम थिंग, अदर साइड ऑल्सो कॉम किया मैंने, हेड डाउन, फिर से 90 डिग्री पे इसको भी काट दिया। तो पतले बालों को हैवी दिखाने के लिए 90 डिग्री ग्रेजुएशन हेयर कट सबसे बेस्ट है। अब चेक कर लोगे दोनों साइड के बाल, अगर छोटे बड़े लग रहे हैं तो आप दोबारा से चेक करके काट लोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर बेस लाइन गलत हो जाएगा तो आप पूरा हेयर कट अच्छे से नहीं काट पाओगे। तो ये ध्यान देना। हम ले रहे हैं अभी सेकेंड सेक्शन, बालों को कर रहा हूँ टाई। अभी सेकंड सेक्शन देख लीजिएगा, मैंने मिड ऑफ द आईब्रो से लिया है, हॉर्सशू सेक्शन बोलता हूँ मैं इसको, जिनको नहीं पता है हॉर्सशू सेक्शन किसको बोलते हैं तो आप मेरी सेक्शनिंग वाली वीडियो में जाके हॉर्सशू सेक्शन देख सकते हैं। तो ऊपर वाले बालों को बांध दूंगा मैं यहाँ पे, ओके। और जिन लोगों को कुछ भी सामान खरीदना है जो मैं यूज़ करता हूँ, लाइक मैं सीजर, कॉम, ड्रायर, ब्रशेस, कुछ भी, वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं लिंक। आप अमेजोन से जाके, अभी सेल चल रही है तो खरीद सकते हैं, बहुत अच्छे रेट्स में मिल जाएगा आपको। यहां पे है छोटे बाल, बाकी बालों को मैंने काट लिया, सेम थिंग अदर साइड, जस्ट सी इट। जितने बड़े बाल आ रहे हैं उनको काट दें प्लीज, क्योंकि गाइडलाइन फॉलो करना है हमें, गाइडलाइन को फॉलो करना है। छोटे बाल गाइडलाइन, बड़े बालों को हम काट लेंगे। सेम थिंग मैं अदर साइड करूंगा, यहाँ पे जैसे ही इस साइड के भी 90 डिग्री पे काट लूंगा मैं बालों को। और एक चीज बोलूं, जिन लोगों ने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम जो पेज है वो फॉलो नहीं किया है तो प्लीज जाएं और फॉलो कर लें, ताकि मैं जो भी अपडेट्स देता हूं वहां पे हम चैट भी कर सकते हैं, अपडेट भी देता हूं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है स्क्रीन के ऊपर, और नीचे मेरा इंस्टाग्राम का पेज का नाम है हेयर सॉल्यूशन। तो आप जाएं, प्लीज फॉलो करें। अभी मैंने जो हॉर्सशू सेक्शन था उसको हाफ कर लिया, उसको भी ले लिया है, पीछे वाले बालों के साथ मैच कर लिया है, मर्ज करना स्टार्ट कर दिया है। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, छोटे बाल जो पीछे वाले थे वो गाइडलाइन है, ऊपर वाले बालों को हम काटते जाएंगे। डरना नहीं है बाल काटते हुए कभी भी, अगर आप एक राइट टेक्निक के साथ काट रहे हो तो आप एकदम एग्जैक्ट शेप में काटोगे, क्योंकि हमें हर एक जगह पे बालों को 90 डिग्री में ही काटना है। तो ये ध्यान रहे, जब भी आप बाल काटते हो तो वो 90 डिग्री पे ही कटे। तो हमारा जो पेज है वो फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, हेयर सॉल्यूशन के नाम से आप जाके फॉलो कर सकते हैं। ये हेयर कट मैं क्यों कर रहा हूँ इन बालों में, ये वेवी बाल हैं, इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, तो उन वॉल्यूम को दिखाने के लिए मुझे ये हेयर कट करना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने कभी बाल नहीं कटवाए हैं और मुझे इसलिए ये परफेक्ट हेयर कट देना ज़रूरी है। अगर उन्होंने बाल नहीं कटवाए और हम एक परफेक्ट शेप में काट देंगे, इन फ्यूचर उनके बाल उसी शेप में बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है जब भी बाल काटें कि एक राइट शेप में शेप दे दे बालों को, ताकि फ्यूचर में उनके बालों में वॉल्यूम लगना शुरू हो जाए। तो अभी वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है।
तो यहाँ पे मैं बालों को कर लूँगा ड्रायर। इसके बाद जैसे ही हेयर कट हो जाता है कहीं पे अगर गलती रहती है तो आप देख लीजिए, मुझे लग रहा है कहीं पे गलती थी तो मैंने चेक किया और काट दिए। ओके, हेयर कट हमारा कंप्लीट है। इसके बाद करेंगे हम ब्लो ड्राई, पहले बालों को कर लेंगे ड्रायर फास्ट, हार्ड एंड फास्ट, सारे बालों को जल्दी जल्दी ड्राई कर लेना है। और यहाँ पे मेरा जो नया डेनमन ब्रश है वो मैं यूज़ करूँगा, छोटा वाला मीडियम राउंड ब्रश, जिससे मैं थोड़े थोड़े आउट कर्ल्स, स्पाइरल कर्ल्स इसमें ऐड करूँगा। तो इनके बाल अभी भी पतले लग रहे हैं, बट थिंग इज इनके बाल टूट गए, ब्रेकेज हो गए। ब्रेकेज होने की वजह से क्या हो रहा है कि बाल एंड्स पे बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं सिर्फ एंड्स को थोड़ा थोड़ा ट्रिम किया हूं, और जब तक रूट्स वाले बढ़ेंगे तो एंड्स के इक्वल होने शुरू हो जाएंगे, तब तक एक अच्छा हेयर कट शेप आ जाएगा। उसको आने में एटलीस्ट 6 मंथ लगेंगे अभी। तो आप क्लाइंट को बोले कि आप बाल कटवाते रहें, ट्रिमिंग लेते रहें थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो ट्रिमिंग में क्या होगा, बाल बढ़ते रहेंगे, बाल बढ़ते रहेंगे, तो इन फ्यूचर आप जब भी बाल काटते हो तो वो जो रूट्स वाले बाल टूटे हैं उनके साथ मैच हो जाएंगे विद इन 6 मंथ। तो यहाँ पे फिर से मैंने रूट्स के बालों को अच्छे से सुखाना स्टार्ट किया लेंथ पे। मैं छोटा ब्रश ही यूज़ कर रहा हूँ, अभी बड़ा राउंड ब्रश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाल ऑलरेडी छोटे हैं, इससे भी छोटा आता है, बट मैं मीडियम राउंड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। ये बड़ा राउंड ब्रश है, एक बार इससे भी आप देख लें कहीं पे जो आउट ऑफ शेप जा रहे हैं बाल, इसके लिए मैंने बड़ा राउंड ब्रश यूज़ कर लिया। एंड्स पे स्पाइरल कर्ल्स दे रहा हूँ, ये स्पाइरल कर्ल्स इसलिए हैं ताकि जो बालों में वॉल्यूम है वो अच्छे से दिखाया जा सके। अदर साइड ऑल्सो सेम थिंग, स्पाइरल कर्ल्स देना स्टार्ट कर रहा हूँ। और एक क्वेश्चन था मेरा लास्ट वीडियो में, आई डोंट थिंक लोगों ने जवाब दिया उसका, कुछ लोगों ने जवाब दिया है तो मैं देखूंगा जाके, और जल्दी आपको वो जो गिफ्ट है वो मिलेगा। मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे उसमें, आप इसमें भी देखिए वीडियो और रिप्लाई करिए। तो उस वीडियो में ओलाप्लेक्स वाली वीडियो है, हमने उसमें क्वेश्चंस पूछे थे, किन लोगों ने जवाब दिया, कुछ रैंडम हम निकालने वाले हैं उसमें से, जिसका सही जवाब होगा उसको ही गिफ्ट मिलने वाला है। हम लोग कोरियर करने वाले हैं, हम लोग स्पेशल गिव अवे देने वाले हैं, एक सरप्राइज गिफ्ट है हमारी तरफ से उन्हीं सच्चे स्टूडेंट्स को जो बहुत ज़्यादा सीखते हैं हमारे से, स्पेशली उनके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और प्लीज़ 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 जो लोग भी नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे जैसे ही ड्रायर हो जाएगा मैं बालों को खोल लूँगा। फ्रंट वाले हेयर्स बहुत ज़्यादा डैमेज हैं और बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो वो मुझे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा बहुत छोटे बाल हैं, तो मैं सभी बालों को पीछे लेके जा रहा हूँ, पहले ड्रायर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और ये क्लाइंट ऑयल भी बहुत लगाते हैं, तो आप अवॉइड करने को बोल सकते हो कि मैम ऑयल मत लगाइए। छोटे होने की वजह से मैंने सारे ड्रायर के हेल्प से सारे बालों को पीछे ब्रश कर दिया ताकि वो अच्छे दिखें, ख़राब ना दिखें या छोटे ना दिखें। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही ड्रायर किया इन बालों को खोलना शुरू कर दिया। बाल खोल देंगे हम अच्छे से, जो कर्ल्स है वो खोल दिए हैं, अगर खोलेंगे तो वॉल्यूम दिखना शुरू होगा, जो लेंथ पे उनके आउट कर्ल्स है वो दिखने शुरू हो जाए। अगर आप हाथ से भी कॉम करके बालों को एक साइड में मैनेज कर सकते हो, इस साइड भी और अदर साइड भी सेम थिंग। देखिए मैंने दोनों साइड रखने की कोशिश की है, क्लाइंट को किसी भी साइड पसंद आ सकता है। तो यहाँ पे बाल बहुत ब्रेकेज हैं, और फिर भी हमने कुछ अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की है। तो आज का जो वीडियो था वो था पतले बाल और टूटे हुए बालों पे कैसे जो परफेक्ट हेयर कट करें। ये अगर हाफ टाई करेंगी बहुत अच्छा लगने वाला ये हेयर कट, मैं इनको दिखाऊंगा, जस्ट सी इट, बैक मिरर दिखाऊंगा एंड शी लाइक इट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मैं नेक्स्ट क्लिप में दिखाने वाला हूँ मेरा इंस्टाग्राम चैनल, जिसको जाके आप लोगों ने फॉलो करना है। आप लोगों का प्यार चाहिए बहुत ज़्यादा, तभी हम ग्रो हो पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।